A very good morning, class. Welcome once again, my physical education class of class 12th. I am going to start your last topic of your chapter, chapter 5, participation of women in India. यानी खेलों में महिलाओं का या फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन का पार्टिसिपेशन क्या होता है. आपका जो चैप्टर था चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, तो वो तो आपके सारे टॉपिक कंप्लीट होकर लास्ट टॉपिक आता है वुमेन्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन इंडिया. ठीक है, वुमेन्स एंड स्पोर्ट्स में. ठीक है, उसके बाद आता है आपका सबसे पहला इस लास्ट टॉपिक में इस चैप्टर के कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है. इससे आपसे रिलेटेड शॉर्ट नोट में क्वेश्चंस बहुत आएंगे, एमसीक्यूज बहुत आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा. बी केयरफुल अबाउट इट. तो आपको सबसे पहले इस टॉपिक में देखना है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन इंडिया, इन इंडिया से पहले पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स ऑफ वुमेन्स, ये आपको समझना जरूरी है. सबसे पहले ओलंपिक गेम में 1900 के जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन हुआ था वुमेन्स का, और इसमें 22 प्लेयर्स ने, वुमेन प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था. और उसमें जो इवेंट थे उनके, वो सिर्फ दो ही इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, एक था गोल्फ और एक था लॉन टेनिस. ये आप याद रखिएगा, सबसे पहला पार्टिसिपेशन ओलंपिक गेम्स में वुमेन्स का जो था 1900 ओलंपिक में. उसके बाद 22 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया और दो इवेंट थे उनके, सिर्फ दो इवेंट थे, गोल्फ एंड लॉन टेनिस. इसके बाद आता है आफ्टर 52 ईयर्स, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, इन 1952 ओलंपिक गेम्स फोर वुमेन पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स फ्रॉम आवर कंट्री. हमारे देश की तरफ से चार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट टाइम 1952 ओलंपिक में, ये ध्यान रखिएगा. उसके बाद आता है आपका 1984 में पीटी उषा का नाम सबने सुना होगा, भारतीय उड़न परी कहा जाता है उनको, और उन्होंने 1984 में पार्टिसिपेट किया था. और उनका जो इवेंट था, वो 400 हर्डल रेस था. तो इसमें जो है उनको बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, क्योंकि उनको पहले से ही इंजरी थी मसल्स में, हैमस्ट्रिंग मसल्स में, और उसको नज़रअंदाज किया जाता रहा. इस वजह से उनका मेडल ओलंपिक गेम्स में नहीं आ पाया, लेकिन बाकी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, देश के लिए बहुत सारे मेडल जीते. और यहाँ तक कि उनकी जब शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उसके बाद दोबारा से उन्होंने पार्टिसिपेट किया गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, दोबारा से अपनी वही पोजिशन हासिल की. ये पीटी उषा के बारे में कहा जाता है, भारतीय उड़न परी कहा जाता है इनको. और इनको जो है, इनका पूरा नाम लगभग आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता है, तो उसमें जो है पीलू वाला कंडी टीका परमविल उषा, उनका नाम है पीलू वाला कंडी टीका परमविल उषा, पीटी उषा कहा जाता है उनको. उसके बाद अब आता है आपका जो है पहली बार मेडल किसने जीता, भारत में महिलाओं में पहली बार ओलंपिक गेम्स में मेडल किसने जीता. सबसे पहला 2000 ओलंपिक में, सन 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुए थे, उसमें पहला मेडल वेट लिफ्टिंग में कर्णिम मल्लेश्वरी का है. पहली भारतीय एथलीट कर्णिम मल्लेश्वरी ने पहली बार ओलंपिक गेम्स में मेडल हासिल किया, ब्रॉन्ज मेडल मिला उनको कर्णिम मल्लेश्वरी को वेट लिफ्टिंग में. उसके बाद 2012 के लंदन ओलंपिक में जो गेम्स हुए, उसमें जो है दो महिलाओं को अपने परफॉर्मेंस की वजह से, अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मिला. इसमें से मैरी कॉम, जिन पर मूवी बनी थी, प्रियंका चोपड़ा ने उस मूवी में मैरी कॉम का रोल किया था. मैरी कॉम एक बॉक्सर थी, बॉक्सर हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2012 लंदन ओलंपिक में. उसके बाद साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक गेम्स में 2012 में. इसके बाद आता है 2016 में साक्षी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था रेसलिंग में, और पीवी संधु ने जीता था सिल्वर मेडल बैडमिंटन में 2016 रियो ओलंपिक में. तो ये थी ओलंपिक हिस्ट्री एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स. अब इसके बाद आता है, इसमें बहुत सारे, अभी वैसे अगर ओलंपिक मेडल को, ओलंपिक गेम्स को अगर अलग हटा दें, तो इसमें सानिया मिर्जा का नाम बैडमिंटन में, वो लॉन टेनिस में आता है, और जो आपने दंगल मूवी देखी होगी, फोगाट सिस्टर, उनका भी नाम, कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने भी मेडल जीते हैं, तो उनका भी नाम आता है. लेकिन ओलंपिक में जो, जिनके बारे में अगर जिक्र करें, तो ओलंपिक में 16 में इन्हीं दो लोगों को मेडल मिला. इसके बाद आता है आपका जो है टोक्यो ओलंपिक,
वैसे टोक्यो ओलंपिक को 2020 ओलंपिक ही कहा जाता है, कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाए थे। अब जो है 2021 में स्टार्ट हुए टोक्यो ओलंपिक जापान में, तो इसमें जो है भारत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, और स्पेशली फीमेल पर्सन की जो वुमेन स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं उन लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। तो उसमें अगर देखा जाए सबसे पहले मेडल किसको मिला, मीराबाई चानू बॉक्सिंग में, उनको सिल्वर मेडल मिला। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू को वेट लिफ्टिंग में पहला मेडल मिला, उनको सिल्वर मेडल। इसके बाद आता है आपका पीवी संधु ने दोबारा से रिपीट किया, अपने लिए दोबारा मेडल मिला उनको, पहले उनको 2016 मिला था, अब ये जो है टोक्यो ओलंपिक में उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला बैडमिंटन में। तो ये पीवी संधु का रिकॉर्ड है कि उनको मेडल जो है कंटिन्यूसली, पहली महिला है, भारतीय महिला जिनको लगातार दो ओलंपिक में पदक प्राप्त हुए। उसके बाद आता है लवीना, बॉक्सिंग में लवीना को ब्रॉन्ज मेडल मिला, तो यानी दो ब्रॉन्ज और एक सिल्वर, ये ओलंपिक का रिकॉर्ड रहा और इस बार बहुत बेहतर रहा। इसके बाद अगर और एक चीज बोले तो उसमें आपका ये हो सकता है कि इस बार वुमेन्स की क्या पूरे देश में परफॉर्मेंस पहले से बेहतर रही, और उसमें जो है वुमेन्स का हॉकी टीम में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। पहली बार भारतीय हॉकी टीम जो है अपने सेमीफाइनल में पार्टिसिपेट किया, और सेमीफाइनल में उसने पार्टिसिपेट किया किसको हराकर, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराकर। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर पहली बार भारत का पार्टिसिपेशन ओलंपिक गेम्स में, महिला हॉकी का पार्टिसिपेशन ओलंपिक गेम्स में हुआ, और उस ओलंपिक गेम में भारतीय हॉकी टीम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। वो पुरुष हॉकी टीम का भी बहुत अच्छा रहा और महिला हॉकी टीम का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो इस चीज को अगर ध्यान में रखते हुए हम देखें कि हमारे भारत ने गेम्स एंड स्पोर्ट्स में स्पेशली ओलंपिक गेम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस बार, महिलाओं का भी और पुरुषों का भी। और एक बात मैं आपको और बता दूं, भारतीय महिला हॉकी में एक और रिकॉर्ड जो है दर्ज हुआ, एक और इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हुआ जो पहली भारतीय महिला हॉकी में किसी प्लेयर ने हैट्रिक लगाई, हॉकी में लगातार तीन गोल करना हैट्रिक होता है। तो उसमें जो है वो महिला हॉकी टीम की प्लेयर हमारे यूपी से थी, सबसे बड़ी चीज ये हमारे प्राउड करने की बात है कि वो हमारे यूपी से थी, हमारे उत्तर प्रदेश से थी वो प्लेयर, उसका नाम वंदना कटारिया। वंदना कटारिया जो है लखनऊ में उन्होंने हॉस्टल में अपनी ट्रेनिंग ली और कई जगह उन्होंने, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि उनको लेके कि बहुत सारे जितने भी ज्यादातर प्लेयर्स ऐसे हैं जो हमारे पूरे देहात से आते हैं, गांव से आते हैं, जितने भी मेडल जीते हैं, नीरज चोपड़ा को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, और मीराबाई चानू को ले लीजिए, इन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन ये बेचारे गरीब फैमिली से आकर भी अपने आप को परफॉर्म करते हैं। नीरज चोपड़ा का अपने गांव से स्टेडियम जो है वो कम से कम 20 किलोमीटर दूर है, वहां वो प्रैक्टिस करता था वो बंदा, और फिर भी वो देश के लिए ओलंपिक लाया। और हम लोग चाहे कितना ही कुछ कह लें, लेकिन हमारे देश की मिट्टी से जुड़े लोग ही भारत के लिए ओलंपिक में मेडल लेकर आते हैं। तो इस बार जो सबसे अच्छी बात रही हमारे यूपी के लिए भी, बहुत जो महिला रही वो है हॉकी प्लेयर, उन्होंने पहला इतिहास रचा ओलंपिक में हॉकी में हैट्रिक का, पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में हैट्रिक लगाई, और वो हमारे उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती हैं, और उनका ही फैमिली बैकग्राउंड जो था बहुत ही स्ट्रगल करके आए, और वो और उन्होंने अपने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ तक कि जो उनके कोचेस थे उन्होंने अपने कोचेस को भी बहुत ज़्यादा सराहा और उनके बारे में बताया कि उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की। तो ये मान के चले कि ये लोग जब तक मेहनत करते हैं, जब मेहनत करते हैं तभी इनको अच्छा रिजल्ट मिलता है। और सबसे अच्छी बात मैं एक आपको और बताना चाह रहा हूँ कि मेरे नज़रिए से पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनको महिला हॉकी टीम को अप्रिशिएट किया फोन करके। ये एक खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा, एक समझ लीजिए बहुत बड़ा सम्मान होता है कि उनको उनके कोच, उनके पेरेंट्स, उनके वेलविशर्स और यहाँ तक के देश का पीएम उनको फोन करके अप्रिशिएट कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज तक के
इतिहास में अगर आप कभी भी देखें कोई भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में टीम पार्टिसिपेट करती है तो जीतने वाली टीम को बधाई देने बहुत लोग आते हैं। किसी कॉलेज की टीम भी अगर जीत जाती है तो बधाई देने के लिए टीचर्स, प्रिंसिपल सब लोग फोन करते हैं, लेकिन हारने पर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता। और ये एक पहला रिकॉर्ड में हुआ है, आई सैल्यूट टू माई पीएम कि उन्होंने उन बच्चियों को फोन करके कहा कि बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो टीम जब अपने सेमीफाइनल में हार गई थी, भारतीय महिला हॉकी टीम, तो देश के प्रधानमंत्री ने उनको फोन करके कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आप खेले बहुत अच्छा खेले, अगली बार जीत के आएंगे। इतनी जो उनको प्रोत्साहन मिला, ये खिलाड़ी के लिए एक मेडल से बड़ी अहमियत रखता है। अगली बार वो मेहनत करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये एक हमारे देश के सीएम के ने जब फोन किया तो उनका उनका मॉरल लेवल कितना हाई हुआ होगा उस प्लेयर का, उन सारे टीम प्लेयर्स का, ये एक बड़ी बात है। और उसके बाद आप देखिएगा कि हमारे देश के पीएम ने 50 से 55 मिनट तक पूरा टाइम उन खिलाड़ियों के साथ बिताया जो मेडल लेकर आए थे और जो ओलंपिक गेम्स में परफॉर्म किया था लेकिन मेडल नहीं ला पाए थे। बहुत अच्छे तरीके से उनसे मिले, बहुत अच्छे से उनसे बात की, बहुत अच्छे से उनको इंटरेक्ट किया। ये एक हमारे देश के लिए प्राउड फील होना चाहिए कि हमें कोई भी हमारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स को इस तरीके से प्रमोट करता है। तो ये जो खिलाड़ी हैं ये एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से या नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं और ये मेहनत करते हैं और जब इनको इनकी परफॉर्मेंस का रिजल्ट मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है इनके लिए कि इनको अप्रिशिएट किया जाए। तो ये हमारे लिए इनके लिए जैसे एक कहावत होती है, आप गुड़ ना दे गुड़ की सी बात कर दे, तो लोग जब इसकी तारीफ करने लगते हैं और बहुत सारे, और मैं समझता हूं कि बहुत लोगों ने उनको पैसा दिया, पूरी गवर्नमेंट ने उनको पैसा दिया, लखपति करोड़पति लोग हो गए, प्लेयर हो गए उनको मेडल के बाद। लेकिन ये मेरा जरूर सजेशन है कि जितना हम करोड़ रुपए मेडल लाने वालों को देते हैं उसका अगर 50 या 25% भी उन परफॉर्मेंस में जाने वाले या तैयारी करने वाले प्लेयर्स पर खर्च करें तो ये रिजल्ट्स और भी ज्यादा बेहतर होंगे। तो हमें जो है इसके लिए अपने देश का मान रखा इन खिलाड़ियों ने और आज सब लोग इनको जानते हैं। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन इंडिया ये एक बहुत बड़ा और अच्छा टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में नहीं बल्कि किसी भी कॉम्पिटिशन में आप बैठेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका, मैं इसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका जो है रीजन फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, ये मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।